अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। और यहाँ पर अब मैं इफ्तारी की तैयारी करने लगी थी, गैस नहीं थी तो सिलेंडर पे मैंने सोचा कि मैं चीज़ें फ़्राई कर लेती हूँ। सबसे पहले जुर्मन फ्राई किए हैं और आई थिंक एक दो क्लिप्स भी मुझसे मिस हो गई हैं, तो वो भी आप से मैं शेयर नहीं कर सकती। रमज़ान है तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर मैं जुर्मन फ्राई कर रही थी और एक दो क्लिप्स मुझसे मिस हो गए। रोल और चुरमुन तो मैंने फ्राई कर लिए थे, अब मैंने इसको वॉश किया। वाटर मेलन को अभी लेके आए हैं भाई, तो अब मैं इसको इसकी कटिंग करूँगी और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर टैंक बनाने लगी हूँ, उसके लिए मैंने चीनी ले ली है थोड़ी सी। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, पानी डाल के अच्छे से घुल जाए ताकि उसमें इतना पानी डाल के मैं पहले चीनी को घोल लूँगी। चीनी घुल गई है पानी में, बस थोड़ी सी रह गई है और टाइम थोड़ा रह गया इफ्तारी के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूँगी सारा काम। अब इसमें मैं टैंक डाल दूँगी। अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी और फिर मिक्स कर लूँगी। और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। बहुत थोड़ा रह गया और जल्दी मैंने ये वाटरमेलन जो मैंने बचा के रखा हुआ था वाटरमेलन ड्रिंक के लिए, तो वो मैंने कट करके जूसर में डाल दिया है। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी, 6 टेबल स्पून्स इसमें ऐड कर दी है मैंने। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्प्राइट या 7 अप, जो भी आप लाइक करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, और उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे इसको। अब मैं इसमें 7 अप डालने लगी हूँ। जो ड्रिंक रेडी हो चुका है वाटरमेलन ड्रिंक, और अब मैं इसको छान लूँगी। और यहाँ पर वाटरमेलन ड्रिंक हमारा तैयार हो चुका है। मुझे ज़रूर बताएगा आपको मेरी इफ्तारी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।